नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। साबूदाना का सेवन सेहत को काफी लाभ पहुंचाता है क्योंकि साबूदाना पोषक तत्वों से भरपूर होता है। साबूदाना का सेवन वैसे तो आप कई तरीकों से करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी साबूदाने का दूध में उबालकर सेवन किया है? दूध में उबले साबूदाने का सेवन सेहत को काफी लाभ पहुँचाता है। दूध में उबले साबूदाने का सेवन करने से हेल्थ से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो वहीं साबूदाना में फाइबर, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं दूध में साबूदाना उबालकर खाने के क्या क्या फायदे हैं। तो आपको बता दें, ये शरीर को एनर्जी देता है। कमजोरी और सुस्ती महसूस होने पर अगर आप दूध में साबूदाना उबालकर खाते हैं तो ये फायदेमंद होता है, क्योंकि साबूदाना और दूध में प्रोटीन, कार्ब्स और एनर्जी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर को दिन भर एनर्जेटिक रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है। दूध में साबूदाना उबालकर खाना हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि दूध और साबूदाना दोनों ही कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा ये वजन बढ़ाने में भी मददगार है। अगर आप अपने दुबले पतले शरीर से परेशान हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको दूध में साबूदाना उबालकर खाना चाहिए, क्योंकि दूध और साबूदाना में हेल्दी फैट, कार्ब्स और प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो वजन को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा दूध में साबूदाना उबालकर खाने से पाचन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि साबूदाना फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों के लिए दूध में साबूदाना उबालकर खाना फायदेमंद होता है, क्योंकि साबूदाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके लिए लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा शरीर में खून की कमी होने पर दूध में साबूदाना उबालकर खाना फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।